बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल वैल्यू और आर वैल्यू से क्या मुराद है। एक्चुअली एल वैल्यू और आर वैल्यूज बिलोंग करती हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट से। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं इंट ए एंड ए इज इक्वल टू 10, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है और इसमें इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एल वैल्यू, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इक्वल साइन की राइट साइड पे जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड आर वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू आपके इक्वल साइड साइन के राइट साइड पे है। अब जितनी भी एल वैल्यूज हैं वो आर वैल्यूज के तौर पर यूज हो सकती हैं, लेकिन तमाम आर वैल्यूज एल वैल्यूज के तौर पे यूज नहीं हो सकती। समटाइम आर वैल्यूज एल वैल्यूज के तौर पे यूज हो सकती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन जो भी एल वैल्यूज हैं वो हमेशा आर वैल्यूज के तौर पे यूज हो सकती हैं। मैं इसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से कि आपके पास कुछ वेरिएबल है, मैं कहता हूँ इंट इंट ए बी सी, ये तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5 और सी अभी एम्प्टी है। तो अगर मैं कहूं सी इज इक्वल टू बी, अगर मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करने से सी वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन होगी वो वैल्यू असाइन हो जाएगी जो कि वेरिएबल बी में है और बी में वैल्यू 5 है। इस सिनेरियो में हमारे पास सी और बी, सी एल वैल्यू है और बी आर वैल्यू है। इस सूरत में हमारी जो आर वैल्यू है वो भी एल वैल्यू के तौर पर लेटर ऑन यूज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आगे चल के मैं ये कह सकता हूं कि बी इज इक्वल टू 9, दैट्स फाइन, ये ठीक है। लेकिन समटाइम हमारी जो आर वैल्यूज हैं वो ऐसी होती हैं जिन्हें हम एल वैल्यू के तौर पे यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 10, अब यहां पर 10 आर वैल्यू है, हम ये नहीं कह सकते कि 10 इज इक्वल टू ए या 10 इज इक्वल टू बी। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं उन्हें एल वैल्यूज और इक्वल साइन के राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को आर वैल्यूज कहा जाता है।